दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 8000 का वीडियो। दोस्तों ये जो बजट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बहुत ही होती है। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे वो टॉप 5 स्मार्टफोन जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी और साथ ही इसका प्रोसेसर भी आपको बहुत ही पावरफुल देखने को मिलेगा जिसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं और साथ ही इसके कैमरा क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। इसमें आपको मैसिव बैटरी भी देखने को मिलेगी। तो बहुत ही कमाल धमाल का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम बात कर लेते हैं अपने नंबर 5 वाले स्मार्टफोन की और नंबर 5 पर आता है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले। तो अगर आप इस बजट में एक बिग डिस्प्ले देख रहे हैं और साथ ही आपको एक बड़ी बैटरी भी इस बजट में चाहिए तो ये स्मार्टफोन आप ही के लिए हो सकता है क्योंकि इसमें आपको 6.82 इंचेज की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही इसमें आपको 6000 एमएच की मैसिव बैटरी इस स्मार्टफोन के साथ आपको देखने को मिलती है और मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जिससे आप ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हैं। नॉर्मली यूजर्स मल्टीमीडिया इंस्टा यूट्यूब ऐप वगैरह आपको इस स्मार्टफोन में यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पर आपको डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है जिसमें आपको प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और साथ ही इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता और ये स्मार्टफोन आपको 3GB और 32GB के साथ 7999 रुपीज में मिलेगा। और अब हम बात कर लेते हैं नंबर 4 वाले स्मार्टफोन की जो आता है रियलमी की तरफ से रियलमी C21। ये भी बहुत तगड़ा स्मार्टफोन है। यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ही तगड़ी देखने को मिलती है और साथ ही इसमें आपको 6.52 इंच की HD+ स्क्रीन देखने को मिलती है और दोस्तों इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसमें आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है जिसमें आपको प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन की पिक्चर क्वालिटी इस सेगमेंट पे बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। तो अगर आपको एक कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए इस सेगमेंट पे तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं और साथ ही आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जिसके साथ भी आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो और बाकी के भी स्पेसिफिकेशन आपको इस स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है और यह स्मार्टफोन आपको 3GB और 32GB के साथ 8499 रुपीज़ में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यह स्मार्टफोन अक्सर ऑफर वगैरह में अंडर 8000 के अंदर में ही देखने को मिल जाता है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं अपने नंबर 3 वाले स्मार्टफोन की और नंबर 3 पर आता है पोको C3। इसमें भी आपको डेफिनेटली बहुत ही कमाल का स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन की एक माइनस पॉइंट ये है कि इस स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों ये हमारे लिस्ट का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। बाकी सभी स्मार्टफोन में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों इस स्मार्टफोन का कैमरा बैटरी डिस्प्ले बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और इस स्मार्टफोन में भी आपको मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि कैपेबल है नॉर्मल यूजिंग और लाइट गेमिंग है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 3GB और 32GB के साथ 7999 रुपीज़ में मिल जाएगा। दोस्तों जो नंबर 2 और नंबर 1 के स्मार्टफोन है वो हम सबके दिल के बहुत ही करीब है। रीजन ये है कि दोस्तों ये एक मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया स्मार्टफोन है। जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोमैक्स की जो कि एक इंडियन कंपनी है। इसी की तरफ से आपको नंबर 1 और नंबर 2 वाले स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने नंबर 2 वाले स्मार्टफोन की तो ये भी आता है आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से माइक्रोमैक्स इन 1B। इसका 4GB और 64GB वाला वेरियंट सिर्फ आपको अंडर 8000 में ही देखने को मिल जाता है और साथ ही इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और दोस्तों इसमें आपको ट्रिपल कैमरे का स्लॉट देखने को मिलता है जिसमें आपको प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और दोस्तों इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। 6.52 इंच HD+ डिस्प्ले। तो अगर आपको एक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन चाहिए तो इस स्मार्टफोन की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। तो वही नंबर 1 पर भी आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से ही माइक्रोमैक्स इन 2B जो कि दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा वाला देखने को मिलता है। सीरियसली दोस्तों इस प्राइस रेंज में सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस इसी स्मार्टफोन के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन देख रहे हैं इस प्राइस रेंज में तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। इसमें आपको यूनिसो T610 का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको 6.52 इंच की डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी, 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलता है और ये स्मार्टफोन आपको अंडर 8000 में ही 4GB और 64GB का वेरिएंट ऑफर करता है। तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन लेना है और दोस्तों अगर आपको मेड इन इंडिया स्मार्टफोन लेना और साथ ही आपको स्टॉक एंड्रॉयड भी इस स्मार्टफोन के साथ देखने को मिल जाता है तो आप डेफिनेटली माइक्रोमैक्स के इस माइक्रोमैक्स इन 2B की तरफ जा सकते हैं।
उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये लिस्ट अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये लिस्ट से रिलेटेड कोई भी पूछा हो तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।